हेलो यूट्यूब और मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया है तब से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है यूट्यूब पे, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। तो कोई रीज़न थे जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगा कि टाइम से आपको वीडियो दिखाऊँ और जो जो एक्टिविटीज़ मैं करता हूँ वो आपसे शेयर करूँ। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम यहीं पर से करते हैं। और अभी टाइम हो रहा है, सुबह के 9 बज रहे हैं, तो आज की व्लॉग की शुरुआत हमने यहीं पे से की। तो आज तो काफ़ी अच्छी धूप लगी है, जैसे आप देख सकते हैं कुछ दिनों से तो काफ़ी भयंकर बारिश हो रही है पहाड़ों में। आप सब जानते होंगे, मतलब बिल्कुल धूप का नामो निशान कहीं नहीं था, तो आज काफ़ी अच्छी धूप लगी है। तो चले फिर जो जो एक्टिविटीज़ हम आज के दिन पर करेंगे वो आपसे हम शेयर करेंगे। जैसे हम पहले लाइफ स्टाइल व्लॉग बनाते थे, पहाड़ी लाइफ स्टाइल, तो वैसे ही आपको आज का व्लॉग देखने को मिलेगा, ठीक है? तो जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, जो भी पुराने हैं वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है ना? तो दोस्तों, अभी मैं अपनी बकरियों के सामने आ रखा था, क्योंकि इधर का जो मौसम है ना काफ़ी अच्छा रहता है, तो मैं इधर डेली आता हूँ, इधर आके अच्छा लगता है, फील होता है। तो इधर हमने बकरियाँ बांधी रहती हैं, देख सकते हैं आप। तो हम पहुँच चुके हैं अब अपने घर पर, और यहाँ पे देख सकते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, प्याज काटे जा रहे हैं। कब के प्याज हैं भाई ये? 20 की प्याज। हाँ, तो आजकल हम यहाँ पे प्याज लगा रहे हैं, घर या प्याज बीज के लिए। तो यहाँ पे लगाएंगे हम उन प्याजों को जो वहाँ पे मम्मी काट रही है, उसके बाद उनसे बीजों से उनके पौधे निकलेंगे तो वो लगाएंगे, ठीक। तो ये काम काज आजकल गाँव पर यही हो रहा है। तो हमारे घर के सामने काफ़ी हरियाली भरियाली है, यहाँ पर आलू है, वहाँ पर पापड़ है, यहाँ पे धनिया है, धनिया नहीं भंगूल, हाँ भंगूल है यहाँ पे, और इधर ये हवेली है। आजकल सब लोग गांव में बिज़ी हो रखे हैं अपने कामों में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, काम ही काम हो रखा है आजकल गांव में। तो ये यहाँ पे है लहसुन के छोटे छोटे पौधे, परसों ही लगाए थे हमने, इतनी जल्दी उग भी गए। जस्ट बगल में है आलू के खेत, तो काफ़ी अच्छी हरियाली भरियाली हो रखी है गाँव में। दोस्तों, अभी आपने देखी छोटी मोटी खेती थी हमारे गांव में जो अभी हो रखी है। तो अभी हम आ चुके हैं नीचे भोलेनाथ मंदिर में, जो हमारे गांव से ठीक नीचे पे है। तो यहां आज रामलीला का प्रथम दिवस है, तो आज से लगातार 10 दिन तक यहां कंटिन्यूस रामलीला चलने वाली है। तो आज रामलीला का पहला दिन है, तो रामलीला भी आपको अब 10 दिन तक लगातार दिखाएँगे, ठीक है? तो अपना प्यार बनाए रखिए। तो मैं अब अंदर जाने वाला हूँ ऊपर, तो आपको अंदर का नज़ारा दिखाऊँगा कैसे कैसा है, कैसे कैसा स्टेज बना है, कैसे कैसे पात्र है, जो जो पात्र होंगे आपसे मिलाएंगे। तो अभी फिलहाल मैं ठीक मंदिर पे पहुंचा हूँ। तो ऊपर हम आ चुके हैं, और जो मेरे ठीक पीछे है यही है रामलीला का स्टेज, यहीं पे रामलीला होनी है 10 दिन तक। तो अब मैं अंदर चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ अंदर कैसा कैसा है, है ना? तो यहाँ पे से एंट्री होगी, और यहाँ पे लोगों के लिए बैठने के लिए कुर्सियाँ, और कुछ इस तरह से डेकोरेट किया गया है इस बार रामलीला का स्टेज। इधर अतिथिगण बैठेंगे, और यहाँ पे लीला होगी, और यहाँ पे अनाउंसमेंट होंगे, जो कुछ भी दान पात्र लोगों को मिलेंगे तो यहाँ पे से अनाउंसमेंट होगा, और बाकी स्टेज का भी काम चल रहा है शायद, लाइटिंग लूटिंग का, है ना? कुछ इस तरह से इस बार का यहाँ पे स्टेज बना है, आप पीछे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा बना है। तो यहाँ पे काफ़ी मेहनत लगी, 3 दिन से हम इसी को बना रहे थे, मतलब कल भी यही बना था, आज भी थोड़ा बहुत इसी का काम किया, उससे परसों भी हम स्टेज का ही काम कर रहे थे, क्योंकि स्टेज मेन होता है। तो यहाँ पर लाइटिंग का काम अभी चल रहा था और पूरी हो चुकी है। तो जो यहाँ पे पात्र खेलेंगे उनमें अच्छे फोकस लाइट उन पे चेहरे पे पड़ेगी और लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। तो अभी तो कोई आया नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद आना शुरू हो जाएंगे लोग। तो अभी पहला दिन है तो लोग कम ही आते हैं, उसके दूसरे दिन बाद आना शुरू करते हैं, क्या पता इस बार ज़्यादा आए। और ये पहला जो एक्ट होगा उसके लिए यहाँ पर रेडी हो चुका है, कुछ बना रखा है पर्वत टाइप का शायद।
इसके बाद अब हम पीछे चलेंगे, वहाँ दिखाएंगे आपको पात्रों का मेकअप वेकअप कैसे होता है। अभी फ़िलहाल वहाँ खाना खा रहे हैं लोग, तो उसके बाद मेकअप होगा और उसके जस्ट थोड़ी देर बाद रामलीला शुरू हो जाएगी। तो यहाँ है मेकअप रूम जहाँ मेकअप हो रहा है। तो यहाँ पे अभी पात्र लोगों का मेकअप चल रहा है, इनके बाद इनका होगा। तो ये मेकअप रूम था और यहाँ पे खाना होना वगैरह जो भी पात्र लोगों के लिए यहाँ पे खाना बनता है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो इसके बाद थोड़ी देर बाद रामलीला शुरू होने वाली है, उसके बाद आपको रामलीला का आयोजन दिखाया जाएगा। और इधर यहाँ पे कपड़े उपड़े सुखाने के लिए डाल रखे हैं, और अंदर क्या चल रहा है, और अंदर यहाँ पे मेकअप चल रहा है शायद। तो ये पात्र लोग हैं, इनका यहाँ पे मेकअप वेकअप चल रहा है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होने वाली है, उसके बाद जो बाकी सीन होंगे वो उसके बाद दिखाई देंगे। तो चलिए फिर आज के दिन की रामलीला की शुरुआत करते हैं यहीं पे से। बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। और अब नेक्स्ट सीन तैयार होने वाला है, रावण और विभीषण। ठीक मेरे पीछे विभीषण और रावण जी बैठे हैं, और इसके बाद इनका रोल होने वाला है, तो आप जरूर देखा। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। दोस्तों आज की लीला होती है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको मज़ा आया होगा, हमें तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और आज तो पहला दिन है वैसे भी, तो आज ही जब इतना मज़ा आया तो आने वाले बाकी दिनों में कितना मज़ा आएगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। ठीक है।